मेरे से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं सी। हाँ, दो चार पाँच चीज़ा जी नॉर्मल तुम करैक्टर करते हो उन्होंने तो डिफरेंट सी, जिम्मे कह लो भी घोड़सवारी से, लुक से, सो बोलने का लहजा से। पहला फर्स्ट हाफ तो ऑलरेडी मैं इदा के करैक्टर काफ़ी किए हुए हैं जिद्द मैं बहुत नरम जे तो ड्रमे जे बोलता। देव भाजी उन्होंने बहुत चंगा लग्या जी, सारी स्टारकास्ट फिल्म भी बहुत ज़्यादा वधिया। सो आई होप आने वाले समय के अमरिंदर भाजी भी असं इदा की कोई वीड्डी इदा की कह लो या कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाइए। जो आप जाने मुड़ की गल करते हैं तो गुगू गिल साहब आ जाते हैं। सत श्री अकाल एम जी, की हाल चाल है? चढ़ती गल है, ठीक ठाक। पहला तो परसनल कॉम्पलीमेंट, तुम बहुत सोहने लग रहे हो अज। परसनली मैं बहुत सोहने लग रहे थे, पूरा किरदार तुम फड़िया हुआ हले तक छड़िया नहीं है लग। बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। कमी जी, आप ज्योने मोड़ की गल करिए, असी ये जो नाम है वो गाने च सुनते आए हैं, असी ये किरदार के बारे असी अपनी फैमिलीज़ तो अपने बुजुर्गों तो सुनते आए हैं, तो हूँ जब मूवी करन लगे सिगे तो ऑन स्क्रीन उस करैक्टर निभा रहे थे, कितनी इंस्पिरेशन से कितना स्टडी करना पाया किरदार पर? मैं पिछले इंटरव्यू भी गल की है जी, इस करैक्टर जो कोई आर्टिस्ट करैक्टर करता है आई डोंट थिंक सो उन्होंने कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ की रिसर्च ही इन्नी हो गई होंगी है राइटर्स वालों डायरैक्टर्स वालों जिन्होंने ये फिल्म बनानी होंगी एग्जीक्यूट करनी होंगी है। सो मेरे से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं सी। हाँ, दो चार पाँच चीज़ा जी नॉर्मल तुम करैक्टर करते हो उन्होंने तो डिफरेंट सी, जिम्मे कह लो भी घोड़सवारी से, लुक से, सो बोलने का लहजा से। पहला फर्स्ट हाफ तो ऑलरेडी मैं इदा के करैक्टर काफ़ी किए हुए हैं जिद्द मैं बहुत नरम जे तो ड्रमे जे बोलता, उदू बाद जो सैकंड हाफ है वो थोड़ा आउट है दूजिया फिल्मों के कंपैरेटिव। सो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्राऑर्डिनरी मेहनत करने की नहीं लोड़ पई जी, आ गया सीगा काबू करैक्टर छेती हुई। रिदम बॉयज़ की गल करिए तो रिदम बॉयज़ की एसोसीएशन बहुत पुरानी है, तुम अपना डेब्यू जो मूवीज़ चो हाकम सिंह के नाल किरदार के नाल किया, जिन्होंने हूँ भी बहुत ज़्यादा प्यार मिले, तो हूँ थोड़े नाल देव करोड़ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तुम दोवें अपने अपने जॉनर के एक मैगा स्टार्स हो, तो कि मज़ा आया उत्थे काम करन च, ते कोई इदां दा इंसीडेंट जो थानू याद होवे? देव भाजी उन्होंने बहुत चंगा लग्या जी, सारी स्टारकास्ट फिल्म भी बहुत ज़्यादा वधिया। देव वीर मेरी पहली फिल्म है तो सानू कद इदा लगे नहीं गा भी साड़ी भी पहली फिल्म से, सानू इदा लगता कि बड़े चिर तो जानते हैं, क्योंकि भाईचारा मालिक की मेहनत एक दूजे का असं बहुत सत्कार करते हैं, पहला भी मिलते रहे हैं जाना मोड़ तो, असं पहला दो चार पाँच बार मिले हैं, साड़ा ऑलमोस्ट सर्कल जहाँ इलाका सेम है, असं नाभे पटियाले दे हैं सारे जने। सो बिनू भाजी उन्होंने मैं भाई उन्होंने एक दो बार पहला भी मिले हुआ, सो कोई मतलब इदा नहीं भी कोई जिम्मे असी कोई जिम्मे भाई जी उन्होंने रोल छोटा है मेरा व्डा या मेरा छोटा रोल भाई जी उन्होंने व्डा, सो मालिक की मेहनत नाल इन्ना सत्कार एक दूजे से सगा मन के जो हूँ भी है बाबा सुख रखे आने वाले समय के भी हो। सो सानू तां बड़ा वधिया लग्या जी फिल्म दे विच करैक्टर करके, जिवें देव भाजी उन्होंने फिल्म दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस च दस्सिया भी चाहे रोल छोटा होवे फिल्म दे विच बट करन नू कुछ होवे, सो सेम सीगा भी इस फिल्म का पार्ट होना ही बहुत साडे लई भाग वाली गल है, भी असीं करम वाले हां भी इस फिल्म का असीं पार्ट बणे हां, किसी नू रोल छोटा मिलिया किसी नू रोल वड्डा मिलिया, सो मालिक मेहर करे ये फिल्म इन्ने वधिया तरीके नाल एग्जीक्यूट हुई है भी इहदा रिजल्ट चंगा होवे, ते हर बंदे नू जिहड़ा जिहड़ा इस फिल्म का पार्ट रहा उहनू इस चीज़ ये चीज़ कुछ ना कुछ दे के जावे आने वाले समय लई। रिदम बॉयज की मूवी तो अमरिंदर गिल साहब के भी कोई ना कोई इनपुट्स आ रहे थे, उत्तों गाइडेंस आ रही थी माड़ी मोटी? मोटी मोटी खुश साहब नाल ही होंगे सी फिल्म के ऑलमोस्ट, जहाँ फोन के नाल होंगे सके जहाँ उसनों असी मतलब एडिट भेज देंगे सके फिल्म का म्यूजिक, तो सारी गाइडेंस उन्हों की चलती पई है जिदा जिदा भी गाने आ रहे हैं डे बाय डे। सो आई होप आने वाले समय के अमरिंदर भाजी भी असं इदा की कोई वीड्डी इदा की कह लो या कोई हिस्टोरिकल फिल्म बनाइए। मोड़ की जी गल है सारे बहुत ही ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, जब थिएटर्स के टीज़र भी दिखाया जा रहा है या ट्रेलर भी आ रहा है तो मूवी के बारे पता लग रहा है, लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इदा कि लोग जानना चाहते थे इस मूवी के बारे, तो थोड़ा तुम की कहना चाहोगे ऑडियंस नूं कि जी उन्हों की एक्साइटमेंट है या जो इनक्विजिटिव ने उस मूवी को लैके वो बरकरार रहे? बस यही है भी तुम घट्टो घट्ट हिस्टरी थोड़े दिमाग के होनी चाहिए है, मतलब जिमें ऑब्वियसली अपने मन के जो आप जाने मोड़ की गल करते हैं तो गुगू गिल साहब आ जाते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ही वड्डी लैजेंडरी फिल्म रही है। सो बेसिकली जो असी जे अपने राइटर्स डायरेक्टर्स तो सुनने मिले सगा भी जो मतलब जाने मोड़ का असल कदकाट से कोई बहुत ज़्यादा व्डा नहीं, तो इदा तुम कह लो भी एक एवरेज जिदा मैं तो पांच सत्त पांच अठ की तुम ला लो उदा का कदकाट से, तो ओबियसली ही मैंने रिदम बॉयज ने मैंने अप्रोच किया, तो रिदम बॉयज ने इस फिल्म के पार्ट मैंने बनाया, ओबियसली उन्होंने कोल देव करोड़ बाई से मेरे तो वे कद काटते तो उन्होंने भी जाना मोड़ बना सकते थे बट उन्होंने ना बना के मैंने बनाया, बिकॉज रीजन ये क्योंकि सच ये कि मैं सॉरी मैं कहना सच ये कि भी जो जाने मोड़ का असल करैक्टर वो ऑलमोस्ट पांच सत्त पांच अठ से, तो मैं ये फिल्म का पार्ट बनाया रिदम बॉयज वालों, तो आई होप सो भी ये जी चीज़ है वो वर्क करूगी आने वाले समय। थैंक यू सो मच एमी एंड कंग्रेचुलेशंस।